अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ट्यूटोरियल 3 लेकर हाजिर हुआ हूँ पाइथन का आईडी चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। माय कंप्यूटर पे है। आज हम सीखेंगे स्केप के बारे में, स्केप कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, प्रिंट के बारे में और कमेंट्स के बारे में। तो जहाँ मैंने पाइथन ट्यूटोरियल बनाया था, यहाँ पे आपका राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दूंगा। इसको मैं VS कोड में खोल लूंगा। इसका आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंस्टॉल कैसे होगा और डाउनलोड कैसे होगा। ये मेरे पास सामने VS कोड की स्क्रीन आ रही है। मैं ट्यूटोरियल वाले मैंने आपको हेलो वर्ड बताया था, किस तरह हेलो वर्ड प्रिंट होता है, और दूसरे ट्यूटोरियल में आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था। तो आज का जो ट्यूटोरियल है, मैं यहाँ एक्सप्लोरर में आऊंगा, पाइथन ट्यूटोरियल पे क्लिक करूंगा, न्यू फाइल बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा tut3.py ना आपको पता बहुत जरूरी होता है, कि पाइथन की एक्सटेंशन होती है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर आज हम क्या सीखेंगे, कमेंट्स के बारे में, स्केप सीक्वेंस कौन से होते हैं, प्रिंट के बारे में सीखेंगे। तो पहले करते हैं कमेंट। अब कमेंट होता है क्या है, कमेंट वो होता है जो मुझे अपने कोड में सिर्फ जो यूजर्स हैं उनको दिखाना हो और मशीन को नहीं समझाना हो, या मशीन को बोलेगे इग्नोर करो इन चीज को। ठीक है, मैं अगर मैं कोई लिख रहा हूँ प्रोग्राम, गेम बना रहा हूँ या कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो जो सो कोडिंग हुई भी है, मैं चाह रहा हूँ कि वो कंप्यूटर समझे, मतलब मैं अपनी कोडिंग किसी और को दे रहा हूँ, ये किसी भी यूजर को दे रहा हूँ, अपने दोस्त को दे रहा हूँ, तो वो उस कोडिंग को समझे। अब उसको हर चीज समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट, कि वो पढ़ के समझ जाए कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको जूम कर देता पहले, ठीक है, काफी जूम आई थी, ठीक है, काफी जूम हो गया। ठीक है, यहां मैं ले देता हूं प्रिंट और बोल देता हूं कि सब्सक्राइब आईटी एजुकेशन। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, टर्मिनल पे आऊंगा, जैसा कि आपको बताया था, न्यू टर्मिनल पे आऊंगा। न्यू टर्मिनल पे आने के बाद मैं यहां पर पाइथन लिखूंगा स्मॉल लेटर से और फाइल का नाम लिखूंगा tut3.py, इंटर करूंगा। ये देखें सब्सक्राइब आईडी एजुकेशन के बाद प्रिंट होकर आ गया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सब्सक्राइब आईडी एजुकेशन क्या है, मैं सामने वाले, अब मैं किसी को ये दे रहा हूँ तो उसको क्या पता ये सब्सक्राइब आईडी एजुकेशन क्या है, भाई इसमें क्या होता है, ये क्या चीज है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपनी रोमन उर्दू में या अपनी रोमन जबान में, SMS राइटिंग में, इसको आप जो चाहे बोले। मैं लिख दूंगा भाई ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो क्योंकि इसमें पाइथन सिखाई जा रही है। अब देखें ये तो मैंने कर दिया, कंट्रोल से सेव करा। अब दोबारा इसको मैं टर्मिनल पे आके प्रिंट करके देखता हूँ, चला के देखता हूँ, रन करके देखता हूँ, इसको मैं इंटर करा, देखिए एरर दे दिया। क्योंकि भाई ये तो हमें समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मेरे दोस्त को समझ में आएगा, मगर ये कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा है, मशीन को समझ नहीं आ रहा है, VS कोड को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम किसे अब करेंगे, इसको अब हमें हाइड करना है, इसे इग्नोर करना है। तो मैं हैश लगा दूंगा, शिफ्ट दबा के 3 दबाए, या हैश आपके पास जिस नंबर पे हो आप हैश लगा देगा। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये ग्रीन कलर में आ गया है। अब कंट्रोल से सेव करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ, देखिए अब वो लाइन दिख नहीं रही, भाई ये मेरा चैनल वाली लाइन अब आपको सामने दिख नहीं रही, सिर्फ सब्सक्राइब आईटी एजुकेशन दिख रहा है। मतलब कि जो ये जो हमने लाइन लिखी है, ये कमेंट कर दी। कमेंट कैसे होती है, हैश लगाकर होती है। हैश लगाने से क्या होता है, जो भी आपने लाइन लिखी है वो कमेंट हो जाएगी। अच्छा अभी तो एक लाइन सिंगल लाइन कमेंट था, ये था सिंगल लाइन कमेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूं मैं बहुत बड़ी बात लिख दूं, मैं लिख दूं यार इस बात को शेयर करो। अब मैंने तो लिख दिया, अब मैं क्या हर बार हैश लगाऊं, नहीं, अब मैं ये हर बार काम नहीं करूंगा, बल्कि अब क्या करूंगा, मैं स्टार्ट में इसके ट्रिपल कोड लगा दूंगा, ये ट्रिपल दफा कोड लगा दिया, और लास्ट में ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास लगा दूंगा, चाहे उसको ये बोल दें। अब देखें ये किस कलर का हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, इट मींस ये कमेंट बन गया। मैं कंट्रोल से आगे सेव करता हूँ और यहाँ रन करता हूँ प्रोग्राम को, देखें अब ये
ये हमारे को शो ही नहीं कर रहा, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ये वीएस कोड की इंटेलिजेंस समझ गई कि ये कमेंट है उसको हमें पढ़ना है नहीं है, इससे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे मैं अब कुछ भी लिख दूं यहाँ पर, कुछ भी लिख दूं मैं इस पैराग्राफ के अंदर, इसको कंट्रोल से सेव कर रन करा मैंने, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर बार समझेगा ये कमेंट है और कमेंट वीएस कोड इग्नोर करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हैश लगाना जरूरी है, हैश लगाना जरूरी है सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए, और मल्टी लाइंस कमेंट करने के लिए ट्रिपल इनवर्टेड कॉमास स्टार्ट में और ट्रिपल इनवर्टेड कॉमास लास्ट में लगाना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताता हूँ। एस्केप सीक्वेंस होती क्या है, जैसे कि मैं लिखा प्रिंट, मैं इसको प्रिंट करता हूँ दूसरी लाइन में, भाई वीडियो को शेयर करो, कुछ भी सकता हूँ मैं प्रिंट के अंदर, शेयर करो, मैं प्रिंट करना आपको सिखाया था सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी, कि आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। मैं कंट्रोल करा, ठीक है भाई, यहाँ रन करा मैंने इस प्रोग्राम को, सब्सक्राइब आईडी जो है भाई वीडियो को शेयर करो लिखा हुआ आ गया। मगर ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने ये लाइन, ये जो लाइन लिखी थी वो 9 नंबर पे लिखी थी और ये 10 नंबर पे लिखी थी, मतलब 10 लाइन में लिखी थी 11 स्टेटमेंट मैंने। मगर मैं चाहता हूँ ये दोनों साथ लिखा हुआ आए, ये दोनों साथ लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा कॉमा लगाऊंगा, क्या लिखूंगा एंड, एंड के इक्वल टू लिखूंगा, इनवर्टेड कॉमा लगाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, कंट्रोल दबाया और इसको रन कर दिया। देखिए सब्सक्राइब, अब ध्यान रखो सब्सक्राइब आईटी एजुकेशन भाई वीडियो को शेयर करो, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, इस एंड की वजह से क्या हुआ, एंड की वजह से जो नीचे जितनी भी स्टेटमेंट थी जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में, वो उसने इसके साथ कनेक्ट कर दी, इसके साथ जोड़ दी। अगर मैं एंड के अंदर यहाँ कॉमा लगा दूं, चेक करते हैं स्टोरमेंट करें, देखिए कॉमा लगा हुआ आ गया, यहाँ एंड के अंदर मैं स्पेस दे दूं तो क्या क्या होगा, सब्सक्राइब आईटी एजुकेशन भाई वीडियो को शेयर करो, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब एंड का काम क्या होता है, अगर एंड इज़ इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास में जो भी चीज लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन के साथ रिलेट करेगी। अगर मैं यहाँ लिख दू के लाइक करो भाई, कंट्रोल करा सेव कर रन करा, तो उस प्रोग्राम को दोबारा मैं टर्मिनल पर आकर, ठीक है, और ये चेक करें सब्सक्राइब एजुकेशन लाइक करो भाई वीडियो को शेयर करो, ठीक है लाइक करो, यहाँ पर लिखा हुआ था और यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया, मतलब कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एस्केप का काम क्या है, यहाँ पर एंड इज इक्वल्स टू, एंड इज इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमा जो भी चीज लिखेंगे हम वो नेक्स्ट लाइन के साथ रिलेट करेगी। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, कमेंट करके आप जरूर बता दिया करें, ताकि समझ में ना आए तो मैं दोबारा आपको कमेंट का जवाब दे सकूं। अच्छा एक और एस्केप सीक्वेंस होता है हमारे पास, अगर मैं लिखूं या नया स्टैंड पहले बहुत पुराना चला था ना, एक मीम्स उसके बारे में ले देना, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको चाह रहा हूं कि आप कोडिंग जो सीखें बिल्कुल मजेदार अंदाज में सीखें, आप ना के बोर हो जाएं, तो मैं इसी तरह के स्टेटमेंट डाल रहा हूं, हेलो फ्रेंड, फ्रेंड बोल दिया ठीक है ना, आई थिंक आप बता दिएगा, चाय पी लो, ठीक है ये मैंने एक बना दिया, तो अब प्रिंट कर तो दिया, अब मैं चाह रहा हूं जो भी लिखूं, हाँ लिख देता हूं मैं कॉमेडी, ठीक है अब मैं चाह रहा हूं कॉमेडी ना नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, अब मैं सोचा प्रिंट कर लेता हूं, मैं चला के देखता हूं, देखिए हेलो फ्रेंड चाय पी लो कॉमेडी, कॉमेडी जो लिखा हुआ है मैं चाह रहा हूं नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो मैं लगाऊंगा बैक स्लैश और एंड, बैक स्लैश और एंड का मतलब क्या होता है, मतलब एंड का मतलब क्या होगा सीधे से एग्जांपल में, न्यू लाइन, एंड का मतलब है यहाँ पर न्यू लाइन, कंट्रोल एस करा, हेलो फ्रेंड चाय पी लो कॉमेडी, ये देखें बैक स्लैश एंड का मतलब क्या हुआ कि कॉमेडी, एंड का मतलब हुआ न्यू लाइन में चले जाओ। अच्छा मैं यहाँ पर एक और चीज देता हूँ, और भी ले देता हूँ मैं, एक होता है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश टी, ठीक है पाइथन लैंग्वेज, ठीक है कंट्रोल से सेव करा, अब देखते हैं जरा, हेलो फ्रेंड चाय पी लो और बैक स्लैश एंड था, बैक स्लैश एंड का मतलब क्या हो कि न्यू लाइन पे आ गया, देखिए कॉमेडी न्यू लाइन पे आ गया, ठीक है अब ये बैक स्लैश टी का मतलब क्या है, टैब, टैब क्या होता है थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आगे लिख दो, ये स्पेस की तरह नहीं होता, टैब आपको पता होगा आपने यूज भी करा होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूं एमएस वर्ड खोलकर, ठीक है ये देखें
आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा टैब का काम होता क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता पहले से। भैया लिखा हूँ, ठीक है, लिखा हूँ वीडियो करें, ठीक है, अरे करें ना, अरे मैं लिखा लिखूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं टैब प्रेस करूंगा, ठीक है, मैं टैब प्रेस करूंगा, नहीं इसके साथ क्या होगा शेयर को कि टैब प्रेस करा मैंने, ये आगे हो गया, टैब प्रेस करा ये बहुत आगे हो गया, ये इस तरह आगे। तो टैब का काम क्या होता है कि स्पेस की तरह ही होता है, स्पेस में एक दफा गैप आता है, टैब से बहुत लंबा गैप आ जाता है, तो हम हर बार स्पेस थोड़ी डालेंगे, तो इसके लिए एक वीएस कोड में चीज ये होती है बैकस्लैश टी, जिसके वजह से हम लोग इसको बहुत आगे ले जाते हैं, किसी को मेन हेडिंग बनानी है तो इसलिए अगर बैकस्लैश टी दबा डाल दूंगा तो कोई इशू नहीं, कंट्रोल करा, ये देखिए थोड़ा और स्पेस आ गया, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, ठीक है, अब आया होगा समझ में आ गया होगा स्क्रिप्ट कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ये किसी न्यू लाइन को बनाने के लिए टैब यूज करने के लिए एंड का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, एंड हम किस लिए यूज करते हैं, कमेंट सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट कैसे होते हैं, आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। प्रिंट स्टेटमेंट, अब प्रिंट तो मैं आपको क्या बताऊँ, प्रिंट तो बहुत ईजी है, आपने अभी देख भी लिया प्रिंट होता है, मैं सब चीजों को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने, अब यहाँ से एक चीज देता हूँ प्रिंट, ज्यादा देखभाल नहीं देता हूँ मैं, देखिए प्रिंट का काम क्या होता है, जो भी प्रिंट के अंदर है भाई उसको मुझे प्रिंट कर दे दो, मतलब दिखा दो, आप जो भी समझे, मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, मैं आपको इस तरह पढ़ा सकता हूँ ताकि आप इजिली सब चीजें समझ सकें इजिली, तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, देखें जो भी प्रिंट के अंदर है वो इस लाइन लिखी हुई है, बाकी लाइन लिखी भी नहीं आई, क्यों, क्योंकि देखिए हैश लगा हुआ है, हैश का मतलब के कमेंट होता है, मैंने सब लाइन को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और ये कमेंट को समझता नहीं, इसलिए सिर्फ इसने इस लाइन को देखा और प्रिंट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर क्रोम पे आए अभी खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्रोम पे आगे लिखेगा पाइथन एस्केप कैरेक्टर्स, पाइथन एस्केप कैरेक्टर्स आपने लिखा, बैकस्लैश न्यू लाइन मतलब इग्नोर कर देगा उस चीज को, बैकस्लैश बैकस्लैश से, हाँ ये दिखाता हूँ आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें अगर मुझे भाई, अब आप बोलो यार मुझे तो यहाँ पे लिखना है कि बैकस्लैश भी डालना है मुझे, मुझे बैकस्लैश डालना है तो मैं कैसे लिखूं, यार मुझे पता नहीं ये बैकस्लैश है, तो भाई अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दो दफा डालूंगा मैं, देखें इसने दो दफा डाला, तो ये एक दफा वो चीज को समझाया गया, आपको प्रिंट करके दिखाया था कंट्रोल करा, देखें ये बैकस्लैश प्रिंट हो गया, ये इस वाली यानी एक बैकस्लैश तो मैं डाला इसलिए कि प्रिंट करवाना था, दूसरा इसलिए डाला अगर हम नहीं डालेंगे तो वो देखें क्या समझेगा, वो एरर दे देगा, मैं एरर दे देगा, ये तो हमें चलेगा नहीं, एरर दे दिया इसने हमें, क्योंकि बैक स्लैश के बाद कोई चीज डालना जरूरी है, एंड डालूंगा तो न्यू लाइन पे चले जाएगा, टैब डालूंगा टी डालूंगा तो टैब हो जाएगा, इसी तरह का मैं बैक स्लैश डालूंगा तो बताएगा बैक स्लैश डालना है यहाँ पर, कंट्रोल करा और चलाया तो ये बैक स्लैश भी आ गया, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल दी हुई है आपको, आप चाहेगा इसको खुद प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें, और कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, और अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर पाइथन की सीरीज स्टार्ट हुई है जो आपको स्टार्ट से लेकर चल रही है और आपको हर चीज सिखाएगी, आने वाली वीडियोस में मैं आपको और चीज सिखाऊंगा। चलें मैं आपको एक क्यूज दे देता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, क्यूज एक छोटा सा, तो जो करना है वो चैलेंज एक्सेप्ट लिख दिएगा नीचे, अच्छा जो भी करना है वो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, आसान से प्रिंट योर नेम विथ ओनली यूज वन प्रिंट फंक्शन, फंक्शन स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग गलत होगा मसला नहीं है, टाइपिंग करते करते गलती हो जाती है, प्रिंट योर नेम विद ओनली यूज वन प्रिंट फंक्शन, यानी एक ही प्रिंट फंक्शन के जरिए आपने वो नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर नहीं छोड़ा आप, बल्कि नेशनलिटी लिख लें ताकि मुझे पता चले कौन कौन देख रहा है कि हाँ कहाँ से मेरी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, और सही है पहले प्रिंट योर नेम को प्रिंट करेंगे, पहले अपना नाम लिखेगा, नेम इज इक्वल टू
इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखिएगा, एड्रेस लिखिएगा, सीधा जेंडर लिखिएगा और नेशनलिटी लिखिएगा, मगर एक ही प्रिंट फंक्शन यूज करिएगा। मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर स्टार्टिंग है, इसलिए प्रिंट लिखा मैंने और लिखा जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स वाला नेम लिखा और नेम लिख दिया मैंने भाई के आईटी एजुकेशन, ठीक है। इसी तरह इसको मैं बैक स्लैश एन करके न्यू लाइन पे आ गया। ये सब आपको करना है। ये थोड़ा सा मैंने आपको अभी इसलिए हिंट दे दी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, मैं आने वाले वीडियोस के साथ साथ आपको क्यूज दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, आपको टॉपिक्स दूंगा कि आप इस पर खुद वीडियो, यानी आप इसको खुद यूटिलाइज करें, खुद सोचेंगे कैसे होगा, वीडियो को आप देखें कि क्या सिखाया है, किस तरह हो रहा है काम इन चीजों के जरिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।